मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और गोविंद नगर सोसाइटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकास प्राधिकरण के उत्पीड़न के खिलाफ आज गोविंद नगर के हजारों स्थानीय लोग लामबंद हो गए और विकास प्राधिकरण की कार्यवाही को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि मथुरा में विकास प्राधिकरण ने गोविंद नगर के कई स्थानों पर अपने आधिपत्य का बोर्ड लगा दिया तथा गोविंद नगर के 5 सेक्टरों में बने मकानों और दुकानों को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि जब इन सेक्टरों पर मकानों के निर्माण हो रहे थे तब एमबीडीए कहाँ सोया हुआ था? क्या एमबीडीए इसका इंतजार कर रहा था कि लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई इन मकानों में लग जाए और फिर वह इसको अवैध घोषित कर दें? गोविंद नगर में रहने वाले स्थानीय निवासी भले ही अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ चक्कर काट रहे हों, लेकिन अभी तक इन लोगों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। बस 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 गोविंद नगर संघर्ष समिति की सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों की आज जब बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो सरकार है देश में और प्रदेश में, वो गरीबों को घर बनाकर दे रही है, और यहाँ के जो अधिकारी हैं मथुरा के विकास प्राधिकरण के, वो गरीबों के मकान उजाड़ने का काम करना चाह रहे हैं। तो प्रशासन और अधिकारी अलग कार्य कर रहे हैं यहाँ के, उनको सरकार को दिखाना है और हमको बताना है सरकार को भी। योगी आदित्यनाथ जी के भी लेटर विकास प्राधिकरण आ चुके कि इनके मानचित्र पास किए जाएं, उनको वो दबा कर बैठे हुए हैं और ऊपर गलत रिपोर्ट भेजते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गलत रिपोर्ट देते हैं वो कि ये ऐसी जगह है, ये वैसी जगह है, जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया उन्होंने। तो और यहाँ जमे बैठे हैं, उनके माइंड कब के वो अधिकारी हैं ये सब जनता जानती है, तो उनके माइंड वही हैं पुराने वाले, तो वो अभी तक सुधर नहीं रहे ना, वो सरकार की नीतियों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, ये अब वो सोच लें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निष्पक्ष सरकार है। नगर सोसाइटी हमारी 1952 से और आज तक स्टैंड है। 1952 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने, मिस्टर केपी मित्तल ने 206 एकड़ ज़मीन हमको दी, हमारे नाम रजिस्ट्री, सोसाइटी के नाम रजिस्ट्री हुई। 1955 में हमारी रजिस्ट्री हुई, 1955 से 1987 तक बरकरार हम रहे। लीगल आदेश के द्वारा हमारी 164.40 एकड़ का महज 3 दिन के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। 26/6/87 को आदेश जारी हुआ, 29/6/87 को म्यूटेशन और 30/6/87 को कब्जा दाखिल करा दिया गया। उसके खिलाफ भी हम माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय ने उस आदेश के उसमें आदेश पारित किया कि ये मामला आपसी सहमति द्वारा सुलझा लिया जाए। 164.40 एकड़ ज़मीन विकास प्राधिकरण को दे दी, जो कि निहत ही गलत न्याय विरुद्ध आदेश था। उसके विरुद्ध माननीय जिला जज महोदय के यहाँ गए, जिला जज महोदय ने उस आदेश को खारिज कर दिया। गोविंद नगर सोसाइटी अपने अस्तित्व में आ गई, जहाँ थी, जहाँ से ज़मीन गई वहीं वापस आ गई। 164.40 एकड़ ज़मीन जिला जज महोदय का आदेश होते ही गोविंद नगर सोसाइटी के पक्ष में आ गई।